यूज ऑफ येट टू। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे येट टू का प्रयोग हम कब करते हैं, स्पीकिंग करते समय और ट्रांसलेशन में। डियर, यू आर वॉचिंग इंग्लिश डिपो एंड दिस इज पवन मी। इफ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज आर वॉन्ट टू बी द मास्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यू वॉन्ट टू लर्न स्पीकिंग, यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड बी विद मी, बिकॉज हियर आई एम गोइंग टू टीच यू कंप्लीट इंग्लिश इन अ वंडरफुल वे। बट आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे येट टू का प्रयोग। देखो, येट टू, इसका स्पेशल प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज किया जाना बाकी हो, ना बाकी हो, और यहां पे अभी भी हो सकता है, ना बाकी है या ना अभी बाकी है। समझो इस बात को, कोई चीज किया जाना बाकी है। जैसे कि मैं कुछ कर रहा हूं लेकिन मैं बताऊं कि नहीं, मुझे अभी यह भी करना है, मुझे अभी वो भी करना है और भी कुछ करना है, यानी वो सब किए जाने अभी क्या है, बाकी है। इस अर्थ में, यानी कोई काम अभी हमारा पेंडिंग में पड़ा है उसको मुझे करना है, कोई भी चीज कहीं भी पड़ी है पेंडिंग में वो अभी किया जाना है, तो उस स्थिति में आपको यूज करना पड़ेगा येट टू का। देखो, हमने यहां पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि हम इसका प्रयोग एक्टिव वॉइस में भी करते हैं, पैसिव वॉइस में भी कर सकते हैं, और पैसिव वॉइस में तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो इसलिए। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा येट टू का प्रयोग हम करेंगे कैसे, ना करेंगे कब करना है वो तो पता चल गया ना, पता चला कि नहीं, जब कोई चीज किया जाना बाकी हो, कोई काम किया जाना बाकी हो, तब ऐसी स्थिति में आपको यूज करना है येट टू का। येट टू का प्रयोग आप करोगे बी वर्ब के साथ। कौन सी वर्ब के साथ में? बी वर्ब के साथ में। बी वर्ब का मतलब आपका क्या है? इज, एम, आर के साथ में, या फिर वाज या वर के साथ में, इनके साथ में आपको येट टू का प्रयोग करना है। आपका फार्मूला क्या तैयार होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप एक्टिव वॉइस की बातें कर रहे हैं तो एक्टिव वॉइस में आपका फार्मूला बनेगा, सबसे पहले आपने लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट को, उसके बाद आपने लिखना पड़ेगा अपनी हेल्पिंग वर्ब जो कि इज, एम, आर हो सकती है। अगर पास्ट की बातें होंगी तो वाज वर हो जाएगा। उसके ही जस्ट बाद आपको यूज कर लेना है येट टू का, और फिर आपने यूज कर लेना है वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यह फॉर्मूला है, जैसे मुझे अभी वहां जाना है, मुझे अभी वहां जाना है, यानी अभी गया नहीं हूं, जाना है, यानी जाना मेरा क्या है, बाकी है, और बाकी है इस स्थिति में मैं क्या बोलूंगा, आई एम येट टू गो देयर। देखो, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, इज, एम, आर में से किसी एक का प्रयोग करना है जो भी सुटेबल हो सकती है। आफ्टर दैट आपको येट यूज करना है, टू यूज करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करके ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड जो भी चीजें होंगी उनको आप लिख दोगे। उसे मंदिर जाना बाकी है, ना बाकी है, मंदिर जाना बाकी है, ऐसी स्थिति में भी आपको यूज करना है येट टू का। क्या बोलोगे? ही इज येट टू गो टू टेम्पल। मुझे पढ़ना बाकी है, मुझे पढ़ना बाकी है, क्या बोलूंगा? आई एम येट टू रीड, आई एम येट टू रीड। आया समझ में ना? ये सब एक्टिव वॉइस में है। सब्जेक्ट आपका स्वयं कुछ करना चाहता है, कुछ करना उसका बाकी है, एक्टिव वॉइस है। बट अगर आपका वाक्य पैसिव वॉइस में हो जाए, जैसे अंग्रेजी पढ़ी जानी बाकी है, उसे दंडित करना अभी बाकी है, कमरा साफ किया जाना अभी बाकी है, यहां पर भी तो ना बाकी है आ रहा है ना, और ये ज्यादा यूज होते हैं आपके ना बाकी है वाले सेंटेंस येट टू में। और इस तरह के सेंटेंस को जब आप बनाना है, पैसिव वॉइस के वाक्यों को जब आपको बनाना पड़ेगा, तब आपका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको यहां भी इज, एम, आर, वाज, वर का ही प्रयोग करना है, और उसके बाद येट टू ही लगाना है, लेकिन आपको यूज करना है बी वर्ब थर्ड फॉर्म। अंतर समझो, यहां पर येट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हो, और यहां पर येट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। जैसे समझो, अंग्रेजी पढ़ा जाना, अंग्रेजी पढ़ी जानी अभी बाकी है, ना बाकी है, तो क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट आपका कौन है? इंग्लिश। इंग्लिश इज येट टू बी रेड, इंग्लिश इज येट टू बी रेड। कमरा साफ किया जाना बाकी है,
क्या बोलूंगा, द रूम इज येट टू बी क्लीन्ड, उसे दंडित करना अभी बाकी है, क्या बोलूंगा, ही इज येट टू बी पनिश्ड। आया समझ में? तो ये टू का ये यूज होता है जो कि बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा यूज होता है, आप भी कई बार बोले होंगे। और अब आपसे अगर बोलना है, अगर आप स्पीकिंग सीखना चाहते हो तो आपको अपने हिंदी के ही चीजों में इंग्लिश की चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करने के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए हिंदी में ही अंग्रेजी को घुसेड़ना पड़ेगा। और अब आप जितना सीखते जा रहे हो ना, उतने का कोशिश करते जाओ यूज करते करने का। जैसे आप बोल रहे हो कुछ भी, आप कह रहे हो कि हाँ खाना खाना अभी बाकी है, तो मील इज येट टू बी टेकन, या मुझे खाना खाना बाकी है तो आई एम येट टू बी टेक मील, सॉरी आई एम येट टू टेक मील। तो आप इन चीजों का प्रयोग करो और येट टू आपको आई थिंक समझ में आ गया है। तो डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब, हिट लाइक एंड कमेंट आल्सो इफ यू हैव एनी सजेशन।